देश की राजधानी नई दिल्ली में नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद नए और पुराने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ से हटकर सेंट्रल इंडस्ट्रियलिस्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ को सौंप दी गई है और 20 मई से सीआईएसएफ के 3300 जवान संसद की सुरक्षा में तैनात रहेगी। सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है, साथ ही अपना सारा प्रशासनिक और परिचालन सामान भी हटा दिया है जिसमें वाहन हथियार और कमांडो शामिल है। वही सीआरपीएफ के कमांडर डीआईजी रैंक के अधिकारी ने सांसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी सीआईएसएफ को सौंप दी है।